विशाल प्रभात फेरी सम्मान गौ रक्षा यात्रा दिनांक 15 दिसंबर 2019 से यात्रा शुभारंभ श्री देव राधा रमन शारदा माई मंदिर राजघाट से शोभा यात्रा शुरू तहसील मकरौनिया सिविल लाइन होते हुए शिव शक्ति मंदिर ज्योति नगर में मकरौनी फेरी का सम्मान आगे यात्रा करेगी प्रस्थान। सागर जिले के रहली क्षेत्र में रेलवे लाइन सर्वे की मांग की शुरुआत हुई है। सर्वदलीय मंच द्वारा महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया व प्रधानमंत्री नाम संबोधित ज्ञापन तहसीलदार मनोज चौरसिया को सौंपा। ज्ञापन में पथरिया में से करेली तक गड़ाकोटा रहली देवरी भरमार रेलवे लाइन सर्वे की मांग की गई है। साथ ही रेलवे लाइन सर्वे न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। आपको बता दें रहली में रेलवे लाइन की लंबे समय से मांग की जा रही है। सबसे पहले 1954 से रहली में चल रहे रेलवे लाइन की मांग की गई थी। अधिवक्ता और वॉइस ऑफ यूथ सहित कई संगठन यह मांग उठा चुके हैं। अदम न्यूज की रिपोर्ट। आज का ज्ञापन खजुराहो छिंदवाड़ा मिड बुंदेलखंड रेल लाइन के लिए दिया गया है। शासन द्वारा अभी जो नई रेल लाइनों के सर्वे को स्वीकृति दी है उनमें हमारी इस बहुत लंबे समय से की जा रही है यह मांग शामिल नहीं है, तो इसको लेकर हम लोग नगर के लोगों ने गड़ाकोटा से भी उपस्थित लोगों ने अधिवक्ताओं ने सबने मिलकर यह ज्ञापन दिया है जो अभी शुरुआत है। अगर हमारे क्षेत्रीय सांसद जो कि भारत सरकार में पर्यटन मंत्री हैं, एक कद्दावर नेता हैं, हमारे क्षेत्र के विधायक आदरणीय गोपाल भार्गव जी वो भी बुंदेलखंड के एक कद्दावर लीडर हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं मध्य प्रदेश के, ऐसे सारे लोगों के रहते अगर बुंदेलखंड की इस तरह से उपेक्षा हो रही है तो निश्चित रूप से यह चिंताजनक है। इसके लिए तरुणाई इस अविकास की स्थिति को लेकर बिल्कुल दुखी है, आक्रोशित है और आगे आ रही है। और यदि बहुत शीघ्र ही प्रहलाद पटेल जी ने और हमारे क्षेत्र के बड़े लोगों ने बड़े नेताओं ने इस मांग को रेल मंत्रालय से और भारत सरकार से स्वीकृत नहीं कराया तो एक बड़े आंदोलन की शुरुआत होगी जो अभी आग लगी हुई है रहली गड़ाकोटा पथरिया और आगे मल्हारा और खजुराहो और इधर भी सब दूर लोग सहयोग के लिए तैयार हैं और निश्चित रूप से एक बड़े आंदोलन की शुरुआत का आज पहला दिन है।